पिछले 15 साल में 25 लाख से ज्यादा कपल्स की लव प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके रेडियो सिटी लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। और अब वक्त हो चला है लव गुरु डायरीज का, जिसमें लाखों मोहब्बत की दास्तानें लिखी हैं, वो बातें जो पिछले 15 सालों में हमने की हैं। कभी कभार एक बातचीत या कभी कभार किसी से मांगी हुई एक सलाह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसी ही एक कॉन्वर्सेशन हुई थी 2015 में, जब हमारे पास कॉल आया था अक्षय और जीनत का। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे और समाज दोनों को एक नहीं होने दे रहा था। क्या हुआ था तब, आइए सुनाता हूँ आपको। हेलो लव गुरु, मैं अक्षय बोल रहा हूँ सर। कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ सर। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सर, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। हम दोनों शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सर चाहकर भी हम शादी नहीं कर सकते सर। प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि असल में जीनत जो है वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ सर, और ये रिलीजन हमारे बीच में आ रहा है सर। तो क्या आप लोगों ने अपने घर पर इस रिलेशनशिप को डिस्क्लोज किया है आपने या उन्होंने, किसी ने भी? सर मैंने तो अभी नहीं बताया, और मैं शायद किसी तरह अपने पेरेंट्स को मना भी लूंगा, लेकिन जीनत ने जो है अपने घर पे अपने मॉम डैड को ये बताया था, और उन्होंने जो उसकी हालत की है सर मैं आपको बता भी नहीं सकता सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर वालों का पता नहीं, मानेंगे नहीं मानेंगे, भाग कर मैं शादी करना नहीं चाह रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा सर मुझे। सबसे पहले अपने आप को संभालिए। जी मैं कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि जब आप पेरेंट्स की रजामंदी से शादी करने की बात करते हैं, तब एटलीस्ट पेरेंट्स को आपको एक बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और कुछ और ना सही तो एटलीस्ट आराम से तसल्ली से बात करने की कोशिश कीजिए। बने हुए ना सर, वो भी तो समझे हमारी बात को, ना पेरेंट्स मान रहे हैं ना दोस्त समझ रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा था कि यार कुछ बताओ क्या करें, मतलब किस तरह से, तो कहते हैं अबे कहाँ है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा है, मजे ले और अपना ऐसे ही रहे। आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं शादी करना चाह रहा हूँ उनसे, ये कोई गुनाह है क्या? आप बताइए सर, आप उनसे बात कीजिए, कुछ कीजिए सर, आप कन्विंस कीजिए उन्हें किसी तरह से, बनाइए उन्हें ताकि ताकि आगे का कुछ रास्ता दिखे सर। बस एक उम्मीद की आखिरी किरण सर आप हो सर। और सर धीरे सर मेरी शादी नहीं है ना सर, मैं कुछ कर जाऊंगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। संभालिए अपने आप को आप। सर कुछ करो सर, कुछ हेल्प करो सर, कुछ कर जाऊंगा। साल 2015 में इस फोन कॉल के बाद रेडियो सिटी लव गुरु ने छेड़ी एक मुहिम अक्षय और जीनत, दो प्यार करने वालों को एक करने के लिए। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। दो साल पहले हमारे पास कॉल आया था अक्षय और जीनत का। अक्षय और जीनत जो एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, इंटर रिलीजन मोहब्बत थी उनकी, और तब वो बहुत ज्यादा परेशान थे। आइए सुनवाता हूँ कि तब क्या बात हुई थी उनसे। सर प्रॉब्लम ये है कि असल में जीनत जो है वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ सर, और ये रिलीजन हमारे बीच में आ रहा है सर। जीनत ने जो है अपने घर पे अपने मॉम डैड को ये बताया था, और उन्होंने जो उसकी हालत की है सर मैं आपको बता भी नहीं सकता सर। उधर धीरे से मेरी शादी नहीं है ना सर, मैं कुछ कर जाऊंगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। और आज फिर से दो साल बाद बात हुई अक्षय से। हाय अक्षय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड। सो कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? लव गुरु आप तो जानते ही हैं, दो साल पहले मैंने आपको किस पोजीशन में फोन किया था। इंटर रिलीजन मैरिज थी, हिंदू मुस्लिम, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं थे, बल्कि इनफैक्ट वही हमारे सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद आपने ये कॉल लिया, हमारी हेल्प की, और फाइनली हमारी शादी हुई। और इनफैक्ट आज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 2-3 भी होने वाले हैं जल्दी। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, कांग्रेट्स। थैंक यू। सो इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड रेडियो सिटी, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया, नहीं तो। मेरा मानना यह है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सब एक जरिया हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए अक्षय। और सो अगर आपकी भी जिंदगी में मेरा कहीं कोई किरदार रहा है, अगर आपको लगता है कि उस बातचीत से आपकी जिंदगी में कुछ बदला, तो आज अपनी कहानी को लव गुरु डायरीज में रजिस्टर करिए। आपको बस एक मैसेज करना है, अपने फोन से टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम। पिछले 15 साल में 25 लाख से ज्यादा कपल्स की लव प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके
रेडियो सिटी लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी लव गुरु।